से मिलने के चक्कर में ये जींस जो है दो टुकड़ी हो गया। नौजवान लड़का है, आज बाबा बागेश्वर धाम से मिला है, इतना बेचारा दौड़ा, इतना दौड़ा, भार पेट रगड़ के दौड़ा कि बेचारा पूरा पसीना से भींग गया है, एकदम तीत गया है, पूरा भींग गया, एक बाल्टी पसीना निकला, बिल्कुल कि टब में निकला, निकलेगा एक टब पसीना निकल गया। हाँ, खोल के देंगे तो निकलेगा हमको, खोल के अंगा गाड़िएगा देखा टब पसीना भर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अभी चेक कर सकते हैं। हाँ, तो भींगल है पूरा जी, एकदम अंगवा देखिए इनका पूरा भींग गया है, इतना दौड़े बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए ना, बिल्कुल है। हाँ, वो तो दौड़े से मिलने के लिए पटना के नौबतपुर में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वैसा किस्मत वाला लाखों में एक होता है जिससे बाबा का नैना में नैना टकराता है और अखिया चार हो जाती है बाबा से, और वो शख्स मेरे साथ में बैठा है और इस शख्स का दावा है कि मैंने आज दौड़ते हुए बाबा से नजरों से नजरों को मिलाया। क्या जी? हाँ, मिले। तो कैसे कैसे बाबा से आप मिले, शुरुआत से बताइए। मिलने के चक्कर में उनको देखिए पहला जी, आज थोड़ी देखिए बाबा से मिलने के चक्कर में ये जींस जो है दो टुकड़ी हो गया, ये फट गया लगता है, गिर उड़ गए थे क्या जी? ऊपर से 15-20 आदमी हमको पे मतलब थे, ऊपर से चढ़ गया। हाँ, पूरा तो बच न गए, मारा जान चल जाता बाबा से मिलने में, बकाए हुए थे अंदर, पूरा आवाज दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। हाँ। और कोई सुनने वाला वहाँ पे नहीं था, तब तो बाबा से मिलने में ऊपर पहुँच जाते महाराज। हाँ, तो फिर घसीटते हुए हम निकले तो उसमें जींस मेरा पूरा फट चुका है। हाँ हाँ, हाँ। तो ये कैसे कहाँ पर, कैसे क्या क्या हुआ? जब हम बाबा के लिए मिलने के लिए आ रहे थे, काफी ज्यादा मतलब टकराव का भी ज़्यादा मतलब जनता के पब्लिक लोग अथी कर रहे थे, बाबा को जयकारी मना रहे थे, उसमें हम बाबा के पास पहुंच रहे थे दौड़ते दौड़ते, तो दौड़ने के चक्कर में रनिंग कर रहे थे, उस समय हमको सब धक्का दे रहे थे, उसको बाद भी हम किसी का धक्का नहीं समझे, सबके हम भी धक्का देते हुए हम वहाँ से निकले, निकल के हम बाबा से धकेलते हुए घुस गए भीड़ में। हाँ, हमको भी सब धक्का दे रहे थे, उसको बाद भी हम घुस करके बाबा के मतलब एक किए, बाबा के पास पहुंच गए, मिल गए, मिल लिए। तो बाबा से कैसे कैसे मिले ये बताइए। बाबा के पास मिले, उसको बाद मतलब प्रणाम किए, अथी किए, उसको बाद बाबा आशीर्वाद दिए, बाय किए, उसको बाद हम वहाँ से जैसे ही अथी हुए वैसे हमको पे सब धक्का दे करके, मैंने बाबा से मिले भाई जनता सब दाब दिया आपको, मतलब बाबा से मिले तुरंत, मतलब हम मैंने सब सोचा कि हम ही मिल लेंगे बाबा से ना। हाँ। इसको दाब दो। हाँ। तब हम लोग बाबा से मिल लेंगे। उसको एक बार और गिरे थे तब पर भी हम वहाँ नहीं छोड़े, फिर दौड़ते दौड़ते मतलब जान जाए जाए बाबा को नहीं छोड़े। हाँ, गिरे, उसको बाद फिर उठे, फिर तब पर भी मिल ही लिए। हाँ। फिर उसको बाद फिर गिरे हैं। हाँ। तो फिर मैंने गिरना उठना गिरना बजरते गिरते बाबा से मिल लिए, मिल लिए। जब मिले बाबा से कैसा लगा? अंदर से एकदम खुशी वाला, मतलब जो मैंने करेजा में जो है गुलाब का फूल खिल गया पूरा, एकदम जितना थकावन जितना जो कुछ था सब, मैंने जितना गिरल बजरल लात जूता चोट खाए वो सब एकदम हट गया ना, पूरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। तो चोटो घोट लगा था जी? चोट तो देख ही रहे अंदर छिलाया, अब दर्दो रब हो रहा है, बाबा चल गए एसी में वहाँ बैठा सोचते हैं रात में, नहीं उनको है तो हमको दर्द कहाँ से होगा, बाबा में मतलब ऐसा पावर है कि भक्त को दर्द नहीं होता है ना, जब ताक दिए आशीर्वाद दे दिए हैं हमको तो सब बढ़िया होगा, क्या कुछ दर्द नहीं है, सब छिलाया हुआ है अंदर का, ये लेकिन कोई दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी नहीं है। देखिए ये होता है भक्तों का विश्वास अपने आराध्य के प्रति, क्योंकि चोट तो इस नौजवान को काफी लगी है, बाबा से मिले भी लेकिन फिर भी दर्द का महसूस नहीं हो रहा है, क्या बिल्कुल नहीं, नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल नहीं। तब यहाँ से कहाँ जाइएगा? यहाँ से पटना रहते हैं, पटना जाएंगे, पटना में पढ़ाई करते हैं। हाँ, पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं। हाँ बिल्कुल। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 12 बीए पार्ट 1 में है। बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट है। हाँ। घर कहाँ हुआ? घर अरवल जिला में हुआ है। अरवल जहानाबाद? हाँ जहानाबाद। जहानाबाद अरवल के रहने वाले हैं और पटना में रह के पढ़ाई करते हैं, तो सोचे कि पास के नौबतपुर में 20-30 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं तो जाते हैं उनसे मिलेंगे, और आज मिलने में भी इस नौजवान ने सफलता पा ली है। फिलहाल आप देख रहे हैं KT भारत, कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।